नमस्कार दोस्तों, दातरचा और स्पोर्ट्स लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिनेश गाल्यान। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्या ये शब्द कहीं गुम हो गया है? अगर गुम नहीं हुआ है तो क्या इसको गुम करने की कोशिशें हो रही हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब की माँ खेल कबड्डी के विषय में। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि जब पहले ये कबड्डी खेली जाती थी, बिल्कुल देसी और हमारे गांव में खेला जाने वाला खेल है, कि जब पहले रेडर रेड करने जाता था तो उसका सांस तब तक माना जाता जब तक उसके मुंह से कबड्डी 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 निकलती रहे। यदि उसने कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि उसने पॉइंट दे दिया है, उसको कबड्डी कबड्डी बोलते रहना चाहिए था। वो प्रोसेस अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। 30 सेकंड की कबड्डी रह गई, एक रेडर 30 सेकंड में जाएगा, हाथ लगाएगा, वापिस आएगा, उसको कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो आज इस कबड्डी को लेके हम चर्चा करेंगे। हम कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। और आज इस चर्चा में मेरे साथ जो दो महान शख्सियत जुड़ी हैं, जब हरियाणा आज़ाद हुआ तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो 5 राज्य थे, 5 जिले थे हरियाणा में, और उस समय सबसे बड़ा जिला था करनाल। 1979 में पानीपत और कैथल अलग हुए तो अब भी करनाल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और करनाल अपने आप में एक जीता जागता एग्जाम्पल पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया एशिया की सबसे बड़ी जो दूध की वो डायरी है NDRI, वो करनाल में ही है। और करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, गेहूँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो और हरियाणा के बारे में तो ये चीज़ सदा ही जुड़ी रही है कि दूध दही का खाना, और वो मेरा हरियाणा। और इसी चीज़ को चित्रार्थ किया है हमारे आज के मेहमानों ने। और आज के हमारे मेहमान हैं कृष्ण पहलवान जी हैं, बस्तली गांव से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहलवान जी। और दूसरे जो हमारे महान खिलाड़ी और महान कैचर रहे हैं, करनाल जिले के जैनी गांव के सत्ता जैनी जी। पहलवान जी, आपका भी स्वागत है। आज हम कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम एक चर्चा कर रहे हैं इस कबड्डी को लेके, अपनी माँ खेल कबड्डी को लेके। और हम इस विषय पर इन दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे, दोनों पहलवानों से बातचीत करेंगे कि इनके कैरियर में कबड्डी की क्या अहमियत थी, आज के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में कबड्डी की क्या अहमियत रह गई है। यदि हम आज के वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें हर नौजवान के ऊपर यह रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जितना जल्दी हो उसके वो किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। और वर्तमान में ये चीज़ कबड्डी उन खिलाड़ियों को दे भी रही है, पैसा भी और नौकरी भी, पर उसके बावजूद भी जो स्थिति कबड्डी की होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से वो नहीं है। ये मैंने केवल अपना अनुमान बताया है। आज हम मेरा अनुमान तो यह है कि कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे जा रहे हैं कबड्डी को लेके, खासकर सर्कल कबड्डी की मैं जो बात कर रहा हूँ। तो हम इन पहलवानों से भी इसी संदर्भ में बात करेंगे कि ये आज के परिदृश्य में, वर्तमान के परिदृश्य में कबड्डी को कहाँ आंकते हैं और कितना बदलाव आया है जब ये लोग खेलते थे और आज के खेल में कितना बदलाव है। तो मेरा पहला सवाल नहीं है, बस एक चर्चा ही हम करेंगे। तो कृष्ण पहलवान जी, आपको क्या लगता है कि आज के संदर्भ में कबड्डी की स्थिति क्या है? आज तो बहुत ज़्यादा खराब हो रही बैठती थी, आजकल तो कोई देख कर आज ही नहीं बनूंगा। इसमें मेडिसिन ना खराब कर दी है, किसने रायताली फंक्शन हो से ये रायताली कंडीशन ना खो दी, पब्लिक जाने टूर्नामेंट हट गई। तो इस प्रकार तो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है भाई। तो पहलवान जी, हमें ये बताइए कि जब आप लोग खेलते थे तो उस समय कोई पैसे वाला तो खेल था ही नहीं उस समय? ये उस समय केवल जहां तक मुझे अनुमान है वो केवल अपने नाम, अपने गांव के लिए, अपनी शान के लिए खेला जाता। तो आज उस चीज को आप कहां देखते हैं, वो चीज कहां रह गई? उस चीज के लिए नहीं आज कोई खेल रहा भाई साहब। अच्छा, आज तो सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं। और उस पैसे के लिए कहीं ना कहीं वो इन मेडिसिन का भी, आज जो आप कह रहे हो कि मेडिसिन में सारा सिस्टम ज्यादा इस्तेमाल, लालच में हो रहा भाई जी, इतने शरीर न देख दे अपने पैसे के लालच में पड़ रहे सब। तो पहलवान जी, आपको तो काफी अरसा हुआ खेले हुआ हो गया होगा, तो मैं आप थोड़ा सा हम आपके बारे में, आपके जीवन के परिचय में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो पहलवान जी, कब से आपने खेलना शुरू किया, घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, माता पिता हैं,
और कैसा आपका उस समय का जो आपकी टीम थी बस्तड़ी, जो अपने आप में कई सालों तक जिसने अच्छा खेल दिखाया है पूरे हरियाणा और पंजाब के लोगों को, तो थोड़ा सा वो बताइए सर, आपके जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, थोड़ा अपना नाम और अपने फैमिली का थोड़ा सा परिचय, हमारे दर्शक उस चीज को जानना चाहते हैं। कृष्ण कुमार और पप्पू बस्तड़ी, मेरे फैमिली में मेरे माता पिता और पत्नी और तीन बच्चे हैं मेरा, एक दो लड़की एक लड़का। बाकी भाई कबड्डी की प्रेरणा में नगर थी मिली, मेरे दादाजी थे वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे कबड्डी के, और मेरे चाचा था वो भी इंटरनेशनल प्लेयर। तो वंजी वो जो आपके दादाजी थे, दादाजी हैं आपके, वो नेशनल कबड्डी खेलते थे या सर्कल कबड्डी खेलते थे? मेरे दादाजी नेशनल कबड्डी के थे। ठीक ठीक, तो आपको मतलब एक तरीके से घर से ही ये संस्कार मिले हैं कि कबड्डी खेलनी चाहिए, और फिर भगवान की दया से भगवान ने आपको शरीर भी हष्ट पुष्ट दिया है, बहुत सारे लोगों ने आपको खेलते हुए देखा, और ऐसी बहुत सारी टूर्नामेंट रही हैं कि जिनमें आप नॉन स्टॉप रहे हैं। तो अब उस समय तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं, उस टाइम नहीं, उस स्टैमिना को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कृष्ण ने की है, बस कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत की है, क्या आपकी डाइट थी उस समय? डाइट सिर्फ घर का दूध घी था भाई, तीन तीन टाइम ग्राउंड लाया करते हम। अच्छा, तीन तीन सुबह दोपहर भी, दोपहर को भी ग्राउंड लाया करते। जी जी जी, तो उसी का परिणाम था कि कृष्ण बहुत सारी टूर्नामेंटों में नॉन स्टॉप रहा है। घर आ जाएगा सोया करते, बाकी ग्राउंड ही दिखा करते और कुछ नहीं। ठीक 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 ठीक, तो कृष्ण जी तो एक महान रेडर रहे हैं, इनके गांव के खिलाड़ी और थे आज वो हमारे बीच में नहीं है, गुलाब पहलवान जी बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हुए हैं, और जो करनाल की टीम थी, अब तो चैंपियनशिप कम होती हैं, उस समय आज से 15 साल पहले चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप होती थी, तो करनाल की टीम में ही एक कैचर थे जैनी सत्ता जी, तो उम्दा कैचर, जो रेडर दूसरी टीम में होते तो आके पूछते थे कि करनाल की टीम में सत्ता आया है क्या, तो सत्ता उस कबड्डी को कहाँ देख रहा है? सत्ता इस कबड्डी को बहुत नीचे स्तर पे देख रहा। पहले तो बात है या नवे पहलवान जो बच्चे हैं इनका यही प्रार्थना भाई इस मेडिसिन से दूर हो, इसके बाद तारा भविष्य खत्म हो जाएगा। खत्म हो ही रहा, अपने आप पर विश्वास नहीं, ना देसी खाने पर कोई विश्वास नहीं, मेडिसिन के सहारे कबड्डी खेल रहे हैं। एक तो इनका आत्मविश्वास टूट रहा, पहले तो बात इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने आत्मविश्वास की तो एक खिलाड़ी का आत्मविश्वास ही है कि जो उसको आगे लेके जा सकता है। यदि किसी खिलाड़ी का आत्मविश्वास ही नहीं है, चाहे वो दुनिया की कोई भी मेडिसिन खा ले, वो मेरे ख्याल से खेल में अच्छा कर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं खेल सकता जी, जो खुद की मेहनत करेगा, दूध घी खाएगा, देसी खान पान है जो, वो तो खत्म हो गए। जो ये मेडिसिन के सारे कबड्डी खेल रहे हैं ना, इनका भविष्य तो खत्म है आगे आने वाले टाइम में। इनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, मेडिसिन पे ही विश्वास रखते हैं। सबसे गलत बात है, कबड्डी नीचे मेडिसिन ने ही पहुंचाई है। तो पहलवान जी हमें थोड़ा ये बताइए, जैसे हमने कृष्ण भाई साहब से ही बात की कि आज तो चलो आज के जो खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो मेडिसिन से चल रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, खेलों में देख भी लेते हैं, तो आपके समय का खान पान क्या था, थोड़ा अपनी फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमारे दर्शक। खान पान देसी था, ना जी मजा आवे, तो कोई अपना नदी की पलटी पर रेस लावे थे, उस खिलाड़ी को देख के आपके मन में जगह कि मुझे कबड्डी खेलनी चाहिए, कोई आपका प्रेरणा स्रोत तो रहा ही होगा? छोटे छोटे थे हम जी, स्कूल खेल हो रहे थे हमारे गांव के पास, कुक्सीना जी जी जी, वहाँ गेम देखने गए, वहाँ से प्रेरणा मिली, मैंने प्लेयर देखे एक दो तीन, हमने नाम का नहीं पता था उस टाइम, साइकिल पे गए थे हम, भैया हम भी कबड्डी खेल लेंगे जी। फिर गांव के चार पांच लड़के इकट्ठे हुए हम जी, मेरे से पहले भी खेलते थे जी जी जी, लेकिन चार पांच हम एक साथ थे जी जी। फिर हम छह सात साल स्कूलों में फर्स्ट आए सर्कल कबड्डी स्टेट में जी जी जी, तो एक साल सेकंड आए जी जी जी। उसके बाद हम ओपन में एक पंचायत की टीम बढ़ने लग गए, पांच चार लड़के तो हम इकट्ठे खेले छह साल गांव की टीम में जी जी जी। उसके बाद कुछ एक दो बार भीतर चले गया, तो फिर छह साल उसके बाद में बस्तड़ी में खेल लिया जी जी जी। तो पहलवान जी मैं थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, परिवार की परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्योंकि ऐसा जैसे भाई साहब ने भी कहा कि पहलवान जी ने कहा कि पैसे की गेम रह गई है, तो उस समय पैसे की किल्लत तो थी, ठीक है, तो आपने जो खेलना शुरू किया तो घर की सिचुएशन कैसी थी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में माता पिता के साथ साथ पत्नी और बच्चे कितने, थोड़ा ये हमें हमारे ऐसा भाई साहब, हम तीन भाई हैं, हमारा डैडी बचपन में गुजर गया था जी जी, छोटे छोटे थे हम जी, तीन किल्ले जमीन के, गरीब ही परिवार से हैं जी जी जी,
तो अब परिवार में कौन कौन? परिवार में जैसे बच्चे हो रहे, दो दो बच्चे हो रहे, तीनों भाई होगा। जी बढ़िया। मेरा डैडी बेलदार था, वो गुजर गया तो उसकी पेंशन में ही गुजार होता था। जी जी जी। और पैसे के लालच में कोई कबड्डी नहीं खेली, माना सिर्फ एक अपनी इज्जत, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करने के लिए कबड्डी खेली। तो पहलवान जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा यादगार मैच जिसमें सत्ता जैनी को याद किया जाए, कि लोग याद करें कि हाँ भाई वो प्लेयर था, उसने जबरदस्त कैच मारी थी, कोई आपको याद हो कुछ ऐसा? 1993 में हरियाणा और बिंगसन की 8 टीम में जानी थी ओलंपिक में। जी। वो कैथल मैच हुआ था, कैथल का और करनाल का फाइनल मैच था। जी जी। वहाँ पर पूरे हरियाणा में बेस्ट कैच रहा था। जी, जी। कैथल के साथ मेरा मैच था। जी। मैंने 21 कैच मारी थी उस मैच में। जी जी जी। बढ़िया रेडर थे। तो आप करनाल की, आप करनाल की टीम का, करनाल की टीम में खेल रहा था। जी जी। एक मैच मारा हुआ था 88। जी जी। बस्तड़ी और जैनी का फाइनल। जी जी जी। उसमें बस्तड़ी, अच्छा, मतलब दोनों टीम में करनाल की ही थी, करनाल की ही थी फाइनल में। जी जी जी। बस्तड़ी की टीम ने 21 कैच मारी। जी। और जैनी की टीम ने 20 मारी। अच्छा जी। तो बस्तड़ी की टीम में एक कैच से जीत गई थी, एक कैच से जीत गई थी। हाँ जी। तो उसमें आपको क्या लगा कि आपके रेडर कमजोर रहे थे या आपने ही कैच कम लगाई थी? रेडर कमजोर नहीं थे, मेरे साथ कोई कैच नहीं था, मेरे रेडर बहुत बढ़िया थे। कौन थे वो रेडर, जो नाम बताए थे? एक मप्पल, अच्छा, मप्पल उर्फ सतबीर। अच्छा। एक बलबीर है जी। अच्छा। एक डॉक्टर सुभाष है। तो आपके गाँव से ही है वो दोनों? गाँव के हैं जी। जी जी। तीनों ही गाँव के, तीन रेडर थे मेरे। जी जी जी। मेरे साथ कैचर बिल्कुल हड़के बच्चे थे, नवे, बस वैसे ही खड़े रह गए। जी जी जी। कोई कैच लगा दी तो लगा दी, नहीं मुश्किल था। जी जी जी। अकेले ही कैचर था मैं, इस कारण वो मैच हार गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कृष्ण जी, हमें थोड़ा बताइए कि कृष्ण पहलवान का ऐसा कौन सा मैच याद किया जाए? हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार आपको खेलते हुए देखा है और नॉन स्टॉप रहते देखा है, तो आपका कोई यादगार मैच आपको लगे कि हाँ, जिसमें आपने एक अलग छाप छोड़ दी और आप भी उस मैच को याद करके एक खुशी की अनुभव होती है? वैसे तो कई मैच है भाई, मतलब 3-4 मैच फेवरेट है जी। वैसे मेरा सबसे फेवरेट मैच रोहतक फेस्टिवल में खेले थे मैंने। अच्छा अच्छा। रोहतक फेस्टिवल है तो वहाँ आपने, तो पहलवान जी ये बताइए कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है कि आप कबड्डी में आए? आपने जैसे बता दिया कि आपके परिवार से संस्कार ऐसे मिले कि आपके दादाजी नेशनल के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, तो कोई और, मतलब चलो नेशनल के थे, आप कबड्डी जगत में, जब हम सर्कल कबड्डी की बात करते हैं, तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? मेरा चाचा था, कबड्डी खेला करता भाई साहब, वो बढ़िया प्लेयर था करनाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो कैचर थे या रेडर थे वो? रेडर था। ठीक है। जी जी जी। करम सिंह बस्तड़ी। जी जी जी। अच्छा, उस जिन छोटा बच्चा था नहीं, मैं जिन मतलब ठीक ठाक था, खट्टा था जी, तो सारे गांव के नहीं कहा करते भाई कर्मे के बाद तो यही काम लीडर बनेगा। जी जी जी। तो बहुत प्रेरणा मिला कर दी। जी 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 जी। सच्ची बात है। तो हम थोड़े से एक और आपके गांव के पहलवान थे गुलाब, उनके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। आपके दोनों रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत कई सालों तक आपने बस्तली के लिए खेला है, तो उनका थोड़ा नेचर, क्योंकि वो जब भी लोगों ने उनको खेलता देखा तो वे खुश मिजाज प्लेयर थे और वो पॉइंट लाने के साथ ही कुछ उनकी कुछ शारीरिक वो कुछ क्रियाएं ऐसे करते थे कि लोग खुश हो जाते थे, और जो कि बढ़ाना के नाम से भी फेमस हुए हैं, क्योंकि समालखा से एक विधायक बनते थे करतार सिंह बढ़ाना, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी थी, तो उनका मनोरंजन करते थे और लोग बड़ा खुश हो गए उनका मैच देखते थे। तो उनका, उनके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे आपसे, तो कैसे प्लेयर थे या हम केवल लोगों को ही देखने में था, उनका नेचर कैसा था नॉर्मल बातचीत करने में? बहुत बढ़िया नेचर था उसका, मतलब 100 का 100 दिया करता, अपना जिंग होया करता, वो तो उसका जोश था, रुके नहीं था जो करे करते थे। जी 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 जी। जोश था, आराम भी कहीं फिर कह दिया करते, अच्छा लगा भाई कर लिया। जी जी जी। तो सर, उस टाइम में पहलवान जी आपकी टीम में कैचर कौन कौन थे? मेरी टीम में उस टाइम में कैचर था हमारा ऋषि पंडित जी। अच्छा अच्छा। आपके गाँव से ही था? हाँ, मेरे गाँव से था। जी जी जी। और तो उसके साथ लड़ते रहो थे, शुरू माजा से सीनियर थे, एक बजिंदर था, वो हमारे पहले के बड़े सीनियर थे, बाकी हमारे साथ का तो ऋषि मेन रहे हमारे साथ। जी जी। ऋषि के साथ तीन और कोई से खड़े कर लियो। जी जी जी। मतलब मेन हो ही होया करता। जी जी जी। कोई ऐसा मैच कि कृष्ण उस मैच को भूलना चाहता हो कि यार उस मैच में प्रदर्शन खराब था, मेरी वजह से वो उस टाइम टीम हार गई, यदि मैं कैच अच्छी कर लेता तो मैच के परिणाम या टूर्नामेंट के परिणाम कुछ और ही होते हैं? अभी हैं भाई जीवन में ऐसे भी मैच आए दो हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा तो है नहीं कि कोई सचिन भी जरूर आउट हुआ है। नहीं, नहीं हुआ है जी। ठीक है। तो कोई ऐसा मैच कि आपको, आप उसको भूलना चाहते हो कि नहीं यार वहाँ मेरी वजह से गड़बड़ हुई? मना जिंगा ऐसा लग गया, मैं एक परिवरा पानीपत में है शेरा गाँव। हाँ जी हाँ जी। ओड़ा मैच हो रहे थे। जी जी। ओड़ा मैंने
दोए गल्ला मैच था हमारा जी 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 ओड़ा मेरा काफी कच लग गई थी जी 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 20-25 का मैच था लगभग मैं 8-9 कच खा गया था जी 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 उस मैच ना मतलब आज लग मैं भूल लेने कोई नहीं सर परवान जी हर खिलाड़ी के जीवन में ऐसा दौर आता है हालांकि आपकी आपकी गिनती आज भी हरियाणा के उच्च प्लेयरों में होती है किर्सन एक बहुत शानदार प्लेयर शांत स्वभाव का प्लेयर आजकल तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे मैचों में प्लेयरों के आपस में कहा सुनी रहती है पहले कुछ ऐसा नहीं था तो पहलवान जी हम आपसे जानना चाहें कि सत्ता का ऐसा कौन सा गेम है कि जिसमें सत्ते पे कैच ना लगी हो और मैच आपने गवा दिया हो जंजाड़ी का ग्राउंड था जी 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 सुरजीत पहलवान जी के साथ मैच था अच्छा 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 टॉप टीम में सुरजीत जो आपके करनाल से शामगढ़ से हैं हां सुरजीत भाई साहब के साथ मैच था जी 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 टॉप टीम में जानी की टीम 8 नंबर आगे थी जी उसके बाद सुरजीत जी मैच जीत गए वो मैच आज तक याद है मेरे जी बहुत तो आप करा रहे थे हम तो आप उस मैच में सुरजीत जी तो कैच लगा पाए थे या नहीं लगा पाए थे कैच नहीं आप टाइम के बाद मैं कोई कैच नहीं लगा पाया अच्छा उससे पहले एक दो कैच लगी हाँ आप टाइम तक तो बहुत कैच मारी जी 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 उसके बाद कोई कैच नहीं लगी सुरजीत जी श्यामगढ़ वाले वो मैच जीत गए तो मैच मेरे याद है बुरी तरह आ रहे थे हम अच्छा उस मैच में चलो कोई नहीं तो पहलवान जी लगा रहता है कि जब कोई जीतता है तो कोई हारता भी है जब दो खेल लेंगे तो एक हारेगा भी एक जीतेगा भी तो पहलवान जी अब आते हैं एक छोटे से जिस पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन बने या ऐसा क्या सरकार करे क्या खिलाड़ी करें क्या दर्शक करें कि हमारी कबड्डी जहां से जो स्वर्णिम काल था जब आप लोग खेलते थे और बर्तनों के लिए खेली जाती थी नाम के लिए खेली जाती थी अपने गांव के नाम के लिए खेली जाती थी वो दौर वापिस लाने के लिए आपके विचार क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए भाई मैंने तो एक मेन सी चीज लग गई रात वाला सिस्टम बंद होना चाहिए बस अच्छा आपका मानना है कि रात को गेम नहीं होने चाहिए क्योंकि जैसा आपके टाइम में होता था पहलवान जी कि एक टूर्नामेंट तीन तीन चार चार दिन चलती थी और जैसे ही 5 बजे लगता था कि अंधेरा होने वाला तो गेम खत्म और अगले दिन होंगे और हालांकि उन दिनों में मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहूंगा जो नए दर्शक जुड़े हैं कि चार चार दिन की टूर्नामेंट होती थी और जो टीम में दूर से आती थी गाँव के स्कूल में आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर प्लेयरों को अपने घर रोकते थे और जो उनको डाइट मिलते हैं उनको हलवा घी खीर ये सारी चीज़ें उनको दी जाती थी गांव की पंचायत की तरफ से पूरा उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती थी पर आज केवल एक दिन की टूर्नामेंट होती है क्योंकि पहले चार चार दिन की थी अब हर दिन टूर्नामेंट है आपको 1 लाख रुपये का इनाम है अगर दूसरी जगह जाओगे 2 लाख रुपये का इनाम है उस टाइम केवल और केवल अपने गाँव के नाम के लिए और अपने लिए कि हाँ लोग मुझे जाने पर आज पैसे के लिए है तो जैसा भाई साहब पहलवान जी ने बताया कि पैसे के लिए नहीं आप केवल अपने गांव के लिए अपने नाम के लिए खेलिए अच्छा खेलिए तो चलो एक तो हमने ये बात मान ली कि गांव रात वाला प्रोसेस बंद होना चाहिए क्योंकि उसमें जो हम कई बार देखते हैं यूट्यूब पे भी आजकल हम देख लेते हैं कि जो दर्शक होते हैं वही पी के बैठे रहते हैं नशे को बढ़ावा नशे को बढ़ावा है रात वाला प्रोग्राम नशे को बढ़ावा है चलो चलो इसमें फिर किसको पहल करनी चाहिए कि ये रात वाला प्रोसेस खत्म हो जाए इसको सब एक तो सबसे पहला ये सीनियर पहलवान गाँव है जी 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 और जो कमेटियां खेल करावा है भाई मान ले भाई ना भी सहयोग करना चाहिए जी 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 भाई इसको सुधार करो ये जी मैच जी दिन के करो हाँ। एक ये नशे पत्ते का थोड़ा सिस्टम है ना थोड़ा करो प्लेयर ना कहो भाई टाइम पाओ तड़की 9-10 बजे ग्राउंड में आओ और 5-6 बजे लगी मैच चांदने में मैच होने चाहिए जी 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 सूरज के लाइट वाला प्रोग्राम ही बिल्कुल बंद होना चाहिए टाइम तो अपने घर आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि मेडिसिन कैसे खत्म करें मेडिसिन तो दिन में बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज पर भाई साहब अच्छा जी हाँ दिन में बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज पर मेडिसिन में एक तो दिखेंगे मतलब फर्क हुआ इस चीज का एक दिन में मतलब कई वजह जाडे में जाडे की वजह तो अभी कई जाडा सा लग रहा है उसमें थोड़ा फर्क रहा है यू संदेश जाओगा देखेंगे सारे आवेंगे ये महाराज जो बुजुर्ग है नहीं 50 साल तो ऊपर उनकी तो कबड्डी देखनी छुट गई जाना ही मतलब जाना बंद हो गया जाना ही बंद हो गया बिल्कुल मतलब रात ना भाई मैच होवांगे रात ना मन कुछ दिखे बेचारे जानते कौन ना मैं गम्मा मन जानते जो उनसे गम्मा मन बिल्कुल 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 तो सत्ता पहलवान जी से मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि पंजाब और हरियाणा की कबड्डी में क्या डिफरेंस है वर्तमान में भी और जब आप लोग खेलते थे आप लोग आप दोनों तो एक ही टीम का हिस्सा रहे हो तो कितने मैच आप लोगों ने पंजाब में खेले हैं और अब परिस्थितियां क्या है पंजाब में 6 साल खेले हम अच्छा जी
तो आप करनाल की टीम की तरफ से खेलते थे, पंजाब की किसी टीम बस्तड़ी की टीम के नाम से खेलते थे? जी जी जी, आल ओपन की किसी क्लब के नाम से खेले थे। सुरजीत जीत हमारे साथ, हमारे गांव वाला मप्पल था जी, एक बबरू जी पहलवान जी, दनोरी काला जी, दनोरी काला यही प्लेयर हो करते हम जी, एक दीपारी गढ़ हो जाता जी, बाकी लड़ाई में तो इनको ले जाकर ओपन में जी जी, बाकी एक पंचायत में मैं बस्तड़ी में खेलता था, सुरजीत जी खेलते थे। ठीक 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 ठीक, पंजाब की जो कबड्डी है ना हाँ जी, एक तो अक्षेत्रवाद नहीं वहाँ पर, अच्छा जी, प्लेयर ही प्लेयर जी जी जी, या जातिवाद नहीं है जी जी, प्लेयर को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहने का मतलब है कि ये हमारे हरियाणा में जातिवाद है कहीं, हमारे हरियाणा में जातिवाद भी है, अक्षेत्रवाद भी है। अच्छा जी, पंजाब की कबड्डी इसलिए ऊपर है वहाँ, ना जातिवाद ना अक्षेत्रवाद है जी, प्लेयर ही प्लेयर। और कुछ जैसे मेरे भी कुछ जानकारी स्रोत हैं, कुछ पहलवान जैसे यार दोस्त भी हैं, भाई बंधु भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो आज से 15-20 साल पहले जब आप लोग कबड्डी खेलते थे, तो वहाँ दोबारा फिर वही ट्रेंड आ गया कि एक खिलाड़ी कई क्रिएट कर सकता है, तो हरियाणा में वो चीज़ है नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ स्थितियाँ अच्छी हैं पंजाब में। हाँ, पंजाब की स्थिति फिलहाल अच्छी है, पहले वाले टाइम में एक रेडर जितना दम हुई इतनी रेडर लगा सके था जी जी, हरियाणा का प्लेयर नीचे जा चुका है जी, एक के बाद एक रेडर रेगुलर कर दिया, कुछ कमेटी ही भी नहीं चाहती भाई एक रेडर जितनी रेडर लगा सका लगा सका, कमी सारे सिस्टम की है। सबसे बड़ी कमी है इनमें जो आज के युवा खिलाड़ी हैं इनकी जी जी जी, एक तो रात को खेलते हैं जी, दूसरी बात है टाइम पर नहीं आते, तीसरी बात है इनमें अनुशासन खत्म होता जान लग रहा, बिल्कुल सीनियर प्लेयरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, खास नहीं है जी, टेम्परेरी है सारे जी जी जी। पहले हमारे वाले टाइम में सीनियर प्लेयर की बहुत इज्जत थी जी जी जी, घनी ज्यादा इज्जत थी, कोई रेफरी के सामने नहीं बोल देता जी जी, कोई मैनेजमेंट कमेटी के सामने नहीं बोल देता, चाहे हालांकि गलत भी हो जाए जी जी जी। आज किसी में सहन शक्ति नहीं है प्लेयर में जी, आपस में ग्राउंड में गाड़ी देखते हैं। जब वही बात है जो जैसे आप दोनों ने बताया कि जब हम दवाई खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को भी कहीं ना कहीं स्ट्रोक कर रही है, तो रिस्पेक्ट खत्म जाए। तो आप दोनों से एक छोटा छोटा सा सवाल और हम फिर उस चर्चा को बंद करेंगे, तो आप लोगों में से कोई एक खिलाड़ी को या दोनों में या कोई भी क्या इंटरनेशनल भी खेला है या इंडिया में ही या कहीं आप इंडिया से बाहर जाके किसी विदेश किसी दूसरे देश में जाके खेल के आए हो? भाई बाहर तो नहीं गए जी, अपना उरा हरियाणा में पाकिस्तान की टीम आई थी 2000 में आई थी, उसमें खेल लिया। हाँ, उसमें आप खेल लेते। और तो पहलवान जी आप उस टूर्नामेंट में? मैं नहीं था उस टूर्नामेंट में, सुरजीत पहलवान जी और कृष्ण पहलवान थे। तो जो उस समय सर वो जो पाकिस्तान की जो टीम आई थी वो मेरे ख्याल में 5 7 मैच हरियाणा में हुए थे, 5 मैच हुए थे, तो उसमें शायद हरियाणा ही जीत गया था, उसमें मतलब अपनी टीम 3 मैच जीती थी, 2 हारी थी, 2 मैच हारी थी। तो आप और सुरजीत पहलवान जी उस टीम का हिस्सा थे, वो टूर्नामेंट कैसी रही? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रही वह, ठीक। तो जैसा पहलवान जी ने बताया कि अक्षेत्रवाद था? बिल्कुल था भाई, उस टाइम भी बिल्कुल था। तो किन परिस्थितियों में फिर सिलेक्शन हुआ आप खेल के उससे ही? सिलेक्शन में ऐसा था भाई साहब, मैं ये बात में कल परसों जिक्र चल रहा था ग्रुप में, बबलू डा ग्रुप में, उसमें भी कही थी वह बात, मेरी याद में रह गई थी। तो उड़ता फोन करया मर पाए किसी आदमी ने, भाई ट्रायल आउड़ा, हम कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र जाएगा उस आदमी तो पूछे भाई सतबीर शर्मा थे भी ट्रायल है, सतबीर शर्मा जी जाएगा उड़ा जवाब देंगे, भाई मेरे बस की बात नहीं, आगे फोन करे उन्होंने भी मेरे बस की बात नहीं। तो मेरे साथ मेरे गांव का कैचर था ऋषि पंडित जी, वो थे जी, ऋषि बोले चल गांव में चलेंगे, मैं बोले भाई गांव बन जाते चंडीगढ़ जाएगा ट्रायल देख आऊंगा कोई बात नहीं। तो जी वहां पहुंच गए हम ट्रायल देने जी, तो यहाँ पहला सिलेक्ट ट्रायल हो रही थी जी टीम की, दो ट्रायल जींद हो रही थी, तो लास्ट ट्रायल थी वह पंचकुला थी जोन सी जी, तो उसमें हम न्यारे थे सब, तो और प्लेयर तैयार हो गए। अच्छा, तो आप कितने लोग थे? करनाल से, करनाल करनाल के सुरजीत पहलवान जी तो पहली हो रहे थे सिलेक्शन हो गया था, पहली ट्रायल में हो रहे थे सेट जी जी जी, वो फाइनल ट्रायल में गए हम जी जी, आप और ऋषि पहलवान जी। हां, हम लंगोटी बांधने लग रहे, एक हमारा सीनियर पहलवान आया, मैं नाम नहीं लेंदा उसका, मतलब के करोगे पहलवान दे तड़वाएगा पूरा, तो रह जाए कुछ हो रहा, तो हमारा एक न्यू ऐसे लंगोटी बांधने लग रहे, माना सब भाई एक फ्रिज जी करा खोल दा रहने दा, फिर मैं हौसला था हमारे भीतर, मखना ट्रायल देवेंगे हम, ट्रायल देवेंगे, मना ऋषि तक आया मखा ट्रायल देव, कोई दिक्कत नहीं, खेल का भग जाएंगे, ऐसी बात नहीं होगी, नहीं सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी उसमें ट्रायल दे जी, मेरा दोनों का बहुत ही बढ़िया ट्रायल रहा था जी जी, मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई थी।
ऋषि पंडित जी की उसमें एक लंबर था रह गया था, उसकी जगह सिल्लू मदीने की सिलेक्शन हुई थी, सिल्लू चार कैच कैचर बतौर कैचर हुई थी उसकी। अच्छा अच्छा, सिल्लू चार कैच मर गया था, तीन कैच मर गया, स्लो रेडर था और आपका सिलेक्शन हुआ तो खुशी हुई होगी। तो उस समय करनाल के कितने प्लेयर थे उस टीम में, जो एक तरीके से यही लगा ली भारत पाकिस्तान का मैच था वो, सुरजीत श्यामगढ़ जी थे हाँ, और मैं था करनाल से, तो दो ही लोग करनाल से थे, करनाल डिस्ट्रिक्ट के हम दोनों जी जी। तो मेरे कुछ साथ कुछ दर्शक भी हैं, कुछ सवाल उनके भी हैं, तो पहलवान जी आप डिटेल में बताओ फिर आपके साथ मैच में जो राजनीति हुई, आपको मैच वगैरह नहीं खेलने दिया आपने, मतलब ट्रायल भी पास की थी आप ऐसे बार बैठे, उसका पूरा डिटेल में किस इंसान ने आपके साथ क्या किया सब पहलवान जी। बस उसमें ऐसा है भाई, उसमें बहुत जूनियर था मैं, मेरा पहला दूसरा ही साल था कबड्डी खेलने का, और सुरजीत पहलवान जी उप कप्तान थे, नील मोटा कप्तान था, तो अपना मैच की ऐसी है मतलब निको थे अनिल पहलवान जी क्या कर दिया बोले कृष्ण मैच खेल लेगा, मह पहलवान जी रुका मार दियो किसी टाइम उसी टाइम कोई तैयार बैठे हम तो मैच खेलने का तैयार करता जी। तो पांच मैच में कोई से मैं लंबर नहीं पड़ा था मेरा, सुरजीत पहलवान जी दो मैच खेले थे, एक तो पहला मैच खेले थे जो पंचकुला में था, और एक खेले थे उसका नाम तय नहीं, और जब हम इस तरीके के मंच पे हो तो नाम नहीं लेना भी ठीक है, तो कोई नहीं वो पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो और कोई दर्शक मेरा जो कोई सवाल पहलवानों से करना चाहता हो, पहलवान जी जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा के अंदर रात ने कबड्डी की जाती है जिस कारण आज कबड्डी लुप्त होती जा रही है, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं है, पंजाब में भी रात को कबड्डी होती है पर वहां पर बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं अभी भी उसके साथ। ऐसा है भाई हरियाणा की कबड्डी का और पंजाब की कबड्डी में बहुत अंतर है, पंजाब में लास्ट 8:30-9 बजे फाइनल करा देते हैं। अच्छा 11:00, 1:00, 2:00, 3:00 तड़के 4:00 नहीं बजने देते हैं, हमारे यहां तो 2:00, 2:00, 3:00 रात के बज जाते हैं, तो मजबूरी है उनकी टीम गणी हो जाती है, वहां तो 9:10-9:00 नमेड़ का भेजना लगभग बड़ी कितने टूर्नामेंट हो जी, 9:00 नमेड़ वो जी जी। तो आज हम दोनों पहलवानों का बात दोबारा फिर शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने आए, और बहुत ये अचानक ही की गई चर्चा है क्योंकि पहलवान जी कहीं गए हुए थे और रास्ते में ही बात हुई, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया, और हम इनके 2-3 साथी और भी इनके साथ हैं तो थोड़ा जल्दी भी है। तो पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जानी जी आपका, सत्ता जी आपका भी, तो हम इस तरीके की चर्चा करते रहेंगे भविष्य में भी करेंगे, और कबड्डी को हम कैसे दोबारा उस स्वर्णिम काल में लेके जाएं, उसमें जैसा कृष्ण जी ने बताया और सत्ता जी ने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों को खिलाड़ियों को और एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सीनियर प्लेयर हैं उनको निभानी पड़ेगी कि हम अपनी माँ कबड्डी को दोबारा ही स्वर्णिम काल में लेके जाएं। आप हमारे साथ जुड़े आप लोग द चर्चा स्पोर्ट्स लाइव की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।